तो ये देखिए मैं एक बार, अभी रात हो गई, अब लेते हैं गर्मा गर्म खाना का मजा। हाय फ्रेंड्स, जोहार, आप लोगों का स्वागत है एक और नए वीडियो में। मैं अच्छी हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे ही होंगे। और आज का जो मौसम था वो हमारे यहाँ दिन भर बारिश हुई है। बहुत तेज बारिश तो नहीं हुई, लेकिन दिन भर हल्की हल्की बारिश हुई। तो इस तरीके से जो बारिश होती है उसको हमारे यहाँ बोला जाता है सिटर सिटर पानी आवत है। और जब ऐसी बारिश होती है ना तो पूरा मौसम ठंडा हो जाता है और ऐसे मौसम में कुछ चटपटा खाने का मन होता है। तो देखिए, मैं एक पाव मछली का अंडा बाजार से लेकर के आई हूँ और ये है बेसन 1.5 चम्मच, इसे मैं इसमें मिला देती हूँ। और नमक स्वाद के अनुसार। और ये है कटी हुई प्याज, इसको मैं थोड़ा सा मसल करके डालूंगी। और मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ लहसुन का पेस्ट, और अदरक का भी पेस्ट मैं डालूंगी। अदरक का ये पेस्ट नहीं है, अदरक को मैंने दरदरा कूट लिया है, इसको भी मैं डाल देती हूँ। थोड़ी सी हरी मिर्च, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच में जीरा का पाउडर डाल देती हूँ। अब मैं मछली के अंडे में सारी चीज़ों को मिक्स कर देती हूँ। इसे थोड़ा सा मसलना पड़ता है। मैंने मछली के अंडे में सारे मसालों को अच्छी तरह से मिला दिया है। मैंने आग जला लिया है और इधर तवा में तेल भी गर्म कर लिया है। अब मैं मछली के अंडे को फ्राई कर लेती हूँ। एक साइड से मछली का अंडा पक गया है, अब मैं इसे पलट करके दूसरे साइड से भी पका लेती हूँ। ये देखिए, अंडा दोनों साइड से अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। इसी तरीके से मैं बाकी अंडों को भी फ्राई कर लेती हूँ। मछली के अंडे को फ्राई करने के लिए मैंने सरसों तेल का इस्तेमाल किया था, तो वही तेल यहाँ पर बच गया है, तो उसी में मैं सब्जी बनाऊंगी। तो ये है अदरक का पेस्ट, लहसुन जिसको मैंने कूट करके रखा है, इसको मैं थोड़ी देर भून लेती हूँ। अब मैं डाल देती हूँ कटी हुई प्याज, अब मैं डाल देती हूँ कटी हुई हरी मिर्च, इधर जब तक प्याज भूनती है मैं मसाले तैयार कर लेती हूँ। मसालों में मैं ले रही हूँ 2 छोटी चम्मच हल्दी, 2 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच गोल मिर्च पाउडर। अब मैं डाल देती हूँ थोड़ा सा पानी और सारे मसालों को मैं अच्छी तरह से मिला लेती हूँ। सारे मसाले अच्छी तरह से मिल गए हैं, प्याज अच्छी तरह से भून गई है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मसाले और इसे भी अच्छी तरह से भून लेती हूँ। सारे मसाले अच्छी तरह से भून गए हैं, अब मैं इसमें टमाटर डाल दूंगी। और मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था कि हमारे यहाँ टमाटर का रेट काफ़ी ज़्यादा है, तो ये देख सकते हैं मैंने टमाटर की चटनी की जैसे बना के रखा था जाड़े के दिन में ही, तो इसी का आजकल मैं इस्तेमाल करती हूँ, तो इसे मैं सब्जी में डाल देती हूँ। आप लोगों के पास में ताज़ा टमाटर होगी तो आप लोग ताज़ा टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, तेल भी ऊपर ऊपर दिखने लगी है और सारे मसाले जो हैं अच्छी तरह से भून गए हैं। अब मैं इसमें डाल देती हूँ पानी। मैं मछली के अंडे को फ्राई करते समय भी नमक डाली थी, तो अभी मैं थोड़ा सा और नमक डाल देती हूँ और इसे अच्छी तरह से मिला देती हूँ। अब मैं इसे ढक करके थोड़ी देर खौलाऊंगी। ये देखिए, मसाला खौल चुका है। अब मैं इसमें डाल देती हूँ मछली के अंडों को, जिसको कि मैंने फ्राई करके रखा था।
और इसे मैं थोड़ी देर फिर से ढक करके पकाऊंगी। ये देखिए सब्जी बन करके तैयार है और इसका ग्रेवी देखिए ना ज़्यादा गाढ़ा है ना ज़्यादा पतला है। अब मैं इसे उतार लेती हूँ। और अभी रात हो गई है और देखिए अभी भी बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में कुछ ऐसे चटपटा खाने को मिल जाए तो क्या बात है। ये देखिए हमारा गरम गरम खाना बन गया है। अब मैं सब्जी निकाल लेती हूँ। अब लेते हैं गर्मा गर्म खाना का मजा। ये देखिए अंदर तक बिल्कुल अच्छी तरह से पक गया है। एकदम जबरदस्त बना है। कैसा बना है, कैसा लग रहा है? काफी मजेदार बना है, खाने में काफी अच्छा लग रहा है। हमने खाना खा लिया है और सब्जी वाकई में काफी स्वादिष्ट बनी थी और अभी काफी रात भी हो गई है तभी हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए। तो आज का वीडियो मैं यहीं पर अंत करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब हम मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।